जी जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने ये सेकंड क्वेश्चन शुरू करना था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और या इसे सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है जी, तो पिछली जो चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को कुछ समझाई थी कि नेशनल इनकम के हवाले से थी, तो उसमें एग्रीगेट मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम बताया था और बाकी चीज़ें आप लोगों को समझाई थी। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम जो है वो अब समझते हैं हम लोग, लेकिन ये मैं आपको खुद बना के समझाता हूँ। तो ये चीज़ें हम लोगों ने कर ली थी, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप्स वगैरह। तो अब जो टॉपिक है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, और सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम को समझने के लिए पहले तो हमें इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग टू सेक्टर इकोनॉमी में। वैसे आपकी बुक के अंदर दिया जो हुआ है वो टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर ही दिया हुआ है, पहले मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं इसको थ्री सेक्टर उसमें कर लूँगा और फोर सेक्टर के अंदर भी कर लेंगे उसको। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम बताता क्या है, वो आपको ये बताता है कि जो फ्लो ऑफ रिसोर्सेज है, प्रोडक्ट्स है और इनकम है और रेवेन्यूज़ हैं अमंग द हाउस होल्ड एंड फर्म्स, गवर्नमेंट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना जी, सर्कुलर फ्लो डायग्राम शोज the flows of resources, products, income and revenues among households, फॉर्म्स, गवर्नमेंट एंड दी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये है जी सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। अ सर्कुलर फ्लो डायग्राम शोज द फ्लोज ऑफ रिसोर्सेज, प्रोडक्ट्स, इनकम एंड रिसोर्स,
revenues among households, firms, government and the rest of the world. तो ये चीज़ अभी समझेंगे तो फिर ही बात में बात समझ में आएगी. तो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम हम लोग पढ़ रहे हैं, और ये हम पढ़ रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी. मैंने आपको बताया था कि जिसमें दो सेक्टर्स होते हैं, एक में कंज्यूमर्स और दूसरी तरफ क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है ना जी. तो दो सेक्टर होते हैं इसके अंदर, कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स. अच्छा, अब ये होता क्या है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आसान सा ही क्वेश्चन है. इसमें क्या होता है ये मैं आपको अभी समझाता हूँ एक ग्राफ के ज़रिए, ठीक है. ग्राफ के ज़रिए समझते हैं इसको. फ़र्ज़ कीजिए ठीक है जी, इस तरफ हैं हाउस होल्ड्स और इधर है हमारे पास फर्म्स. ये दो सेक्टर्स हैं. हाउस होल्ड्स जो हैं वो क्या करते हैं, हाउस होल्ड्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसकी, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को, ठीक है जी. हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, हाउस होल्ड सेक्टर, ये मैं दोबारा लिख दूँ अच्छा सा करके, हाउस होल्ड
हेलो जी सर, जी, आवाज आ रही सर? जी, आ रही है सर। डिस्कनेक्ट हो गया था फिर दोबारा से। हाँ तो बता रहा था आप लोगों को कि नेशनल इनकम को तीन तरीकों से मेजर किया जाता है। एक आउटपुट मेथड है, एक इनकम मेथड है और एक एक्सपेंडिचर मेथड है। तो इस मेथड के अंदर आप क्या करते हैं, इसमें आप आउटपुट की वैल्यू निकाल लेते हैं, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या वैल्यू ऑफ आउटपुट। और इसका तरीका ये है कि आप प्राइस को आउटपुट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन मेथड में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम को ऐड कर लेते हैं, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस वेज प्लस प्रॉफिट, तो ये आपके पास नेशनल इनकम आ जाती है। इसको हम नेशनल आउटपुट कह देते हैं। और इसके अंदर हम तमाम एक्सपेंडिचर्स को ऐड कर लेते हैं। तो एक्सपेंडिचर्स को जब ऐड करेंगे तो वो जाए सी प्लस ई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, तो ये आपके पास जीडीपी आ जाती है। और जीडीपी के अंदर हम क्या करते हैं, जीडीपी के अंदर हम कुछ मजीद चेंजेस करते हैं। तो चेंजेस करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, नेशनल इनकम आ जाती है। तो उस मेथड से, मतलब इसको हम अगर फिलहाल जीडीपी ना कहें तो हम सिर्फ इसको कह देते हैं कि तमाम एक्सपेंडिचर्स को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ऑल एक्सपेंडिचर्स ऐड कर लेते हैं, तो ये जो आ जाता है इसे नेशनल एक्सपेंडिचर कह देते हैं। और मैंने आपसे बताया था कि नेशनल इनकम इज इक्वल टू एग्जैक्टली इक्वल टू द नेशनल आउटपुट एंड दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू नेशनल एक्सपेंडिचर। इसको हम नेशनल इनकम आइडेंटिटी कह रहे हैं। ये मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था आपको, नेशनल इनकम आइडेंटिटी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो इसको हमने अभी बताया कि जी पहले हाउस होल्ड है और हाउस होल्ड सर्विस डिवाइड करते हैं चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज की, और किसको प्रोवाइड करते हैं, फर्म्स को। तो फर्म्स में जाकर ये चारों फैक्टर्स क्या करते हैं, ये चारों फैक्टर्स जाके आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। और फर्म्स क्या करती हैं, फर्म्स इन रिवॉर्ड इनको, ये रिवॉर्ड है फर्म्स इनको, इन रिवॉर्ड जो है वो इनके मुआवजे दे देती है। जैसे रेंट मिल जाता है, वेजेस मिल जाती हैं, इंटरेस्ट मिल जाता है, ये चारों रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं हाउस होल्ड सेक्टर को। फिर अगली बात ये थी कि जब यहाँ पे ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं फर्म्स के पास जाते हैं, तो यहाँ जाके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। और फर्म वही गुड्स एंड सर्विसेज किनको बेच देती हैं, सेक्टर को देती हैं। और हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, हाउस होल्ड सेक्टर यही जो इनकम इन्होंने ली होती है इधर रेंट, वेज और इंटरेस्ट और प्रॉफिट की शक्ल में, ये वापस इनको प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज की शक्ल में इनको
वापस कर देती है, किसको? हाउस फर्म्स को। तो ये बात समझ में आई आपको? ये जो इसका मतलब ये हुआ कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है, ये पहले तो मैंने आपको ये बताया कि दो सेक्टर्स हैं, क्योंकि ये सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम हम पढ़ रहे हैं टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। टू सेक्टर मीन्स एक हाउस होल्ड सेक्टर है और दूसरा जो सेक्टर है वो फर्म्स का सेक्टर है। अब फर्म्स क्या करती हैं, हाउस होल्ड क्या करते हैं, वो चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज जो है इनको प्रोवाइड कर देते हैं। किनको? फर्म्स को। और ये चारों फैक्टर्स जब वहां पे जाके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं तो फर्म्स इनको उनका मुआवजा देती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की शक्ल में इनको मिल जाता है। तो फर्म्स क्या करती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज उन्होंने खुद बनाई चारों फैक्टर्स, इन्हीं को दोबारा बेच देती है। ये गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर को बेच दी, और हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया, हाउस होल्ड सेक्टर ने इन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस जो हैं वो पे कर दी किनको? फर्म्स को। ये है जी सारी स्टोरी। तो ये आपके सामने, अब इसमें से नोटिस कीजिए, तो ये चीज जो है, ये तो ये इनकम मेथड है, यानी ये वाला, ये वाली चीज, ये इनकम मेथड है, ये इनकम है ना, नेशनल इनकम है। ये मैंने अभी बताया था नेशनल इनकम इन चारों को ऐड करने के बाद बनती है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर कभी हमें इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मुआवजों की शक्ल में नज़र आती है, कभी हमें गुड्स एंड सर्विसेज की शक्ल में नज़र आती है। ये आउटपुट मेथड है। और जब हम ये जो ये वाला प्राइसेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज हैं, तो ये हाउस होल्ड सेक्टर क्या करते हैं, इनको पे करते हैं, तो ये एक्सपेंडिचर बन जाता है। क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर जब इन गुड्स एंड सर्विसेज को लेते हैं तो उसकी प्राइसेज जब पे करेंगे फर्म्स को, तो वो एक्सपेंडिचर बन जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें इस सर्कुलर फ्लो के अंदर हमें नेशनल इनकम का भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो वो इनकम की शक्ल में नजर आती है, कभी हमें गुड्स एंड सर्विसेज की शक्ल में नजर आती है, कभी हमें प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की शक्ल में नजर आती है, नजर आ रही है। एक है प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो ये है नेशनल इनकम, और फिर हमें नजर आती है गुड्स एंड सर्विसेज की शक्ल में, तो ये है नेशनल आउटपुट, और फिर हमें प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में जब वो पे करते हैं तो ये नेशनल एक्सपेंडिचर बन जाता है। और ये नेशनल इनकम ही नेशनल आउटपुट है, और नेशनल इनकम ही नेशनल एक्सपेंडिचर है, इसलिए इसको हम सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम कहते हैं। एक हाउस होल्ड जो है वो फर्म्स के पास जाके गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, और क्या करते हैं, वो उन फर्म्स उनको उनका मुआवजा देती है, और फिर फर्म्स जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर को बेच देती हैं, और हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो उनकी कीमतें उनको दे देता है। तो यहाँ पर ये आपको सारी स्टोरी समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर नोटिस करें तो हमारे पास दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक जो है वो इनर लूप है, और एक जो है हमारे पास आउटर लूप है। तो इसके अंदर अगर गौर फरमाएं तो आपको नज़र आएगा कि पहली बात तो ये है कि ये जो अभी हम लोगों ने सर्कुलर फ्लो पढ़ा है, ये टू सेक्टर इकोनॉमी में पढ़ा है, और टू सेक्टर इकोनॉमी का मतलब ये है कि ये क्लोज्ड इकोनॉमी है, क्योंकि टू सेक्टर के अंदर फॉरेन ट्रेड सेक्टर जो है वो शामिल नहीं होता। तो ये एक्चुअली क्या है, क्लोज्ड इकोनॉमी की बात हो रही है, टू सेक्टर इकोनॉमी या क्लोज्ड इकोनॉमी। और इसके अंदर अगर हम ये जो बाहर वाली जो लूप है, मैंने उसको ग्रीन कलर दे दिया है, तो ग्रीन कलर के अंदर अगर आप देखें तो आपको जो है वो फाइनेंशियल जो है वो फ्लो नज़र आएगा, फाइनेंशियल फ्लो, क्योंकि फाइनेंशियल फ्लो या मनी फ्लो, क्योंकि इसके अंदर इनकम है और प्राइसेस हैं। यानी इसका मतलब ये है कि जो आउटर लूप है, आउटर लूप के अंदर हमें मनी फ्लो या फाइनेंशियल फ्लो नज़र आ रहा है। क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर हमें
या तो फैक्टर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम नज़र आ रही है, फैक्टर प्राइसिंग जिसे कहते हैं, यानी रेंट प्लस वेज प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, और दूसरा हमें नज़र आ रहा है इसी ये जो आउटर लूप है ना, ये ग्रीन कलर में मैंने शो किया हुआ है आपको नज़र आ रहा है, और दूसरा जो हमें नज़र आ रहा है वो आ रहा है प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज भी फाइनेंशियल है क्योंकि इसमें प्राइस इन्वॉल्व हो रही है, प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। और दूसरा जो इनर लूप है, इनर लूप जो है वो पर्पल कलर में नज़र आ रही है, वो जो यहाँ से शुरू हो रही है, इस पॉइंट से शुरू हो रही है, यहाँ से आप जा रहे हैं, मैं इसको कोई और कलर करके आपको समझा दूँ। इनर लूप जो है ये वाला, फिर ये सारा इनर लूप है, ये यहाँ तक, ये सारा इनर लूप है। इनर लूप जो है इसको मैंने ये आपको ब्लू कलर से समझाया है। इसमें ज़रा देखें तो इसमें इसको हम इनर लूप यहाँ से शुरू होती है, इस जगह से शुरू होती है और यहाँ आके ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना जी? ये यहाँ से शुरू होके यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है, ये इनर लूप है। और जो आउटर लूप है वो यहाँ से शुरू होती है इस जगह से और यहाँ ख़त्म होती है, यहाँ पे इस जगह पे। देखें यहाँ से शुरू हुई, इधर से गई, ये गए, ये दोबारा देखें, यहाँ से शुरू किया, ये यहाँ से यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो ये आउटर लूप है। आउटर लूप के अंदर आपको फाइनेंशियल फ्लो नज़र आ रहा है या आपको मनी फ्लो नज़र आ रहा है। इनर जो लूप है, इनर लूप के अंदर आपको रियल फ्लो नज़र आ रहा होगा। रियल फ्लो का ताल्लुक किससे है? रियल फ्लो का ताल्लुक है मूवमेंट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और एंड गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। तो आप देखें ये इसमें आपको ग्रीन में नज़र आ रहा होगा कि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है और ये फैक्ट गुड्स एंड सर्विसेज है ये। तो इसका मतलब ये है कि इनर फ्लो, जो इनर लूप है उसका ताल्लुक रियल फ्लो से है, रियल फ्लो का ताल्लुक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मूवमेंट से है और गुड्स एंड सर्विसेज से है। लेकिन जो दूसरी तरफ हमारे पास है वो है आउटर लूप। आउटर लूप के अंदर या तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के मुआवजे हैं, यानी या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के मुआवजे, या जिनको हम फैक्टर्स की इनकम भी कहते हैं, फैक्टर इनकम भी कहते हैं, या वो हैं ये वाली चारों, और या फिर वही चारों वो खर्च कर देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की कीमतों के ऊपर। यही रेंट वेज इंटरेस्ट और प्रॉफिट वो कमाते हैं और वही गुड्स एंड सर्विसेज की कीमतों में खर्च कर देते हैं उनको खरीदते हुए। तो ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। इसके अंदर आपने ये देखा कि हम टू सेक्टर के ऊपर बात कर रहे थे, यहाँ पर हमने गवर्नमेंट को इन्वॉल्व नहीं किया हुआ, ये ज़रा ज़हन में रहे, गवर्नमेंट हमने इन्वॉल्व नहीं किया क्योंकि क्लोज्ड इकोनॉमी में, टू सेक्टर इकोनॉमी भी क्लोज्ड इकोनॉमी होती है। क्लोज्ड इकोनॉमी जो होती है वो टू सेक्टर भी होती है, टू सेक्टर इकोनॉमी को भी क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं और थ्री सेक्टर इकोनॉमी को भी क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। लेकिन जो फोर सेक्टर इकोनॉमी होती है उसे, वो जो होती है फोर सेक्टर इकोनॉमी जो होती है, फोर सेक्टर इकोनॉमी जिसमें फॉरेन ट्रेड भी इन्वॉल्व हो जाती है, उसको हम जो है वो ओपन इकोनॉमी कहते हैं। तो ओपन इकोनॉमी फोर सेक्टर इकोनॉमी को कहते हैं और क्लोज्ड इकोनॉमी जो होती है वो टू सेक्टर भी होती है और थ्री सेक्टर भी होती है। और इधर मैंने जो क्लोज्ड इकोनॉमी आपको पढ़ाई है वो टू सेक्टर के अंदर पढ़ाया, टू सेक्टर। और टू सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर लिए हुए हैं? एक तरफ हमने गवर्नमेंट लिया, एक तरफ हमने हाउसहोल्ड सेक्टर लिया हुआ है और दूसरी तरफ हमने फर्म्स लिया हुआ है। और आपको सिर्फ ये बताया है कि ये जो सर्कुलर फ्लो है इसके अंदर आप ये देखें कि ये जो चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये जाते हैं फर्म्स के पास और जाके यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, तो फिर वो जो पैसा कमाते हैं वही फर्म को वापस कर देते हैं, प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की शक्ल में उनको पे कर देते हैं। और जब ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे जाके आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं तो फर्म्स उनको उनका मुआवजा देती है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने का, वो रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की शक्ल में हाउस होल्ड सेक्टर को वापस चला जाता है। हाउस होल्ड सेक्टर वही मुआवजा
प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की शक्ल में फर्म्स को वापस कर देता है जब उनसे वो खरीदते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है जी, तो इनर लूप फिर दोबारा समझिए कि हाउस होल्ड सेक्टर लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को, और फर्म्स उनसे गुड्स एंड सर्विसेज बना के उनको दोबारा बेच देती है, और जब ये यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं तो फर्म उनको ये मुआवजा देते हैं, और ये चारों फैक्टर्स रेंट वेज इंटरेस्ट और प्रॉफिट की शक्ल में मुआवजा लेते हैं, और फिर वही मुआवजा प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की शक्ल में वापस कर देते हैं फर्म्स को, और यही कुछ पूरी दुनिया में हो रहा है, आप जरा चेक कर लें। ठीक है ना, तो इसका मतलब नेशनल इनकम कभी आउटपुट की शक्ल में नजर आती है, कभी वो नेशनल एक्सपेंडिचर की शक्ल में नजर आती है, और कभी वो नेशनल खुद इनकम की नजर शक्ल में नजर आती है हमें। ठीक है जी, तो इस के अंदर हमने अज्यूम किया है कि यहाँ पर ना तो गवर्नमेंट है इसके अंदर, और ना ही फॉरेन ट्रेड सेक्टर है इसके अंदर, ये क्लोज्ड इकोनॉमी है, और क्लोज्ड इकोनॉमी का अभी टू सेक्टर इकोनॉमी अभी पड़ा, थ्री सेक्टर अभी हम लोगों ने इसके अंदर डिस्कस नहीं किया। इसके अंदर मजीद ये अजम्पशन लिया जाता है कि जितनी भी हाउस होल्ड सेक्टर अर्निंग करते हैं वो सारी की सारी खर्च कर देते हैं और वो सेविंग नहीं करते हैं, समझ गए। और दूसरी तरफ ये भी फर्ज किया जाता है कि जो फर्म्स जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं वो सारी की सारी हाउस होल्ड सेक्टर को बेच देते हैं, कोई वो उसमें से नहीं बचाते हैं, यानी ना तो फर्म बचाती हैं और ना ही हाउस होल्ड सेक्टर बचाते हैं, ये फर्ज किया गया। लेकिन इस फर्ज को हम आगे चलकर रिलैक्स भी कर देंगे, इस अजम्पशन को हम रिलैक्स भी कर सकते हैं आगे चलकर, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल ये है कि जितनी इनकम वो अर्न करते हैं उतनी खर्च कर देते हैं, और फर्म जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं वो उतनी ही उनको सेल कर देते हैं वहां पे। तो ये मैंने आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम पढ़ाया टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर, और अगर हम यहाँ पे इसी सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम के अंदर थ्री सेक्टर यानी गवर्नमेंट को इन्वॉल्व कर लें तो वो भी किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है मैं अभी आपको दोबारा से आगे समझा देता हूँ कि कैसे किया जा सकता है इसके अंदर, ठीक है ना जी। तो ये देखिए यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे मैं दोबारा लिख रहा हूँ सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी। अब ये थ्री सेक्टर है तो तब भी ये क्या कहलाएगी, क्लोज्ड इकोनॉमी कहलाएगी, क्योंकि अब इसमें ये होगा कि दो सेक्टर तो वो आ जाएंगे कौन से, यानी एक तरफ फर्म्स आ जाएंगी जैसे हमने पहले पढ़ा था फर्म्स, और दूसरी तरफ कौन आ जाएंगे, दूसरी तरफ हाउस होल्ड सेक्टर आ जाएगा, ये टू सेक्टर हो जाएगा, और ये हाउस होल्ड सेक्टर आ गया, हाउस होल्ड सेक्टर, तो वही सारी स्टोरी है, यानी पहले जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर यहाँ पर जाएंगे, लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्राइज की सर्विसेज इनको देंगे, और फर्म्स क्या करेंगी इसके बदले में इनको मुआवजा देंगी, यानी रेंट देंगी, वेज देंगी, इंटरेस्ट देंगी और प्रॉफिट देंगी इनको, ये वही चीज़ दोबारा। और जब ये यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे तो फर्म इन गुड्स एंड सर्विसेज को इनको बेच देगी, किनको, हाउस होल्ड सेक्टर को, और हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फर्म्स को पे कर देंगे। तो ये वही दोबारा मैंने बना दिया, ये टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर ऐसे है जो मैंने रिपीट किया इसको। लेकिन अब इसके अंदर अगर हम गवर्नमेंट इन्वॉल्व कर लें यहाँ पे, ये मैंने अब तीसरा सेक्टर भी इसमें बना दिया है, ये क्या है, ये है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होगी। अब यहाँ पे ये थ्री सेक्टर की हमने बात की थी ना, थ्री सेक्टर इकोनॉमी, तो थ्री सेक्टर इकोनॉमी भी क्या है, ये भी क्लोज्ड इकोनॉमी है, क्योंकि जब तक फॉरेन ट्रेड सेक्टर नहीं लगाएंगे वो ओपन इकोनॉमी नहीं हो सकती। अब जब हम गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करते हैं तो जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है फिर आपको ये समझना है कि गवर्नमेंट क्या करती है। जो गवर्नमेंट को जब इन्वॉल्व करेंगे तो गवर्नमेंट का ताल्लुक दोनों से है, यानी गवर्नमेंट का ताल्लुक फर्म से भी है और गवर्नमेंट का ताल्लुक जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर से भी है। अब यहाँ पे ये देखें कि फर्म्स जो हैं वो गवर्नमेंट को क्या पे कर रही हैं, यानी फर्म्स जो हैं वो गवर्नमेंट को क्या पे करती हैं, तो फर्म्स गवर्नमेंट को टैक्स देती हैं, टैक्स और प्लस कोई फी वगैरह हो तो वो देती हैं, ठीक है ना जी। और सब्सिडी जो कि किस कौन देता है, सब्सिडी गवर्नमेंट देती है इनको, तो ये गवर्नमेंट जो है इनको सब्सिडी देती है, किनको भला, ये मैंने इस तरफ को निशान लगाया, गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी देती है, प्लस गवर्नमेंट क्या करती है इनको
पब्लिक गुड्स देती हैं, पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है फर्म्स को। तो ये है जी गवर्नमेंट और फर्म्स का कहानी। और दूसरी तरफ आप देखें कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इनको भी क्या पे करती देती है, गवर्नमेंट इनको भी सब्सिडी देती है, किनको बोला हाउस होल्ड सेक्टर को सब्सिडी देती है, प्लस इनको पब्लिक गुड्स और सर्विसेज देती है, पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज देती है। हाउस होल्ड सेक्टर गवर्नमेंट को क्या देते हैं, तो वो टैक्सेस देते हैं प्लस फी देते हैं, ठीक है ना जी। तो ये हैं जो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है हाउस होल्ड सेक्टर को। तो ये थ्री सेक्टर इकोनॉमी में मैंने सर्कुलर फ्लो आपको समझा दिया, ठीक है ना जी। तो इसके बाद इसमें आप अगर इसके अंदर आप लिख लें फोर सेक्टर इकोनॉमी में कर लें इसको, इसको मैं अगर यहीं पे ही इसको मिटा दूं और इसको मैं लिख दूं फोर सेक्टर इकोनॉमी, तो थ्री भी हो जाएगा फोर भी हो जाएगा, इकट्ठे ही कर लेते हैं। तो फोर सेक्टर इकोनॉमी कैसे होगा, अब इस ये अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओपन इकोनॉमी। तो ओपन इकोनॉमी में अब क्या आएगा, अब आपके पास फोर सेक्टर भी आ जाएगा, यानी आपके पास जो सर्कुलर फ्लो के अंदर फॉरेन ट्रेड सेक्टर है वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि कैसे होगा, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक और चौथा सेक्टर बनाना पड़ेगा और वो होगा इसे हम कहेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है उसका ताल्लुक आपकी फैक्टर मार्केट के साथ भी है, ये फैक्टर मार्केट है लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज, और ये आपकी गुड्स मार्केट है, यानी इसका ताल्लुक आपकी किससे है, गुड्स मार्केट के साथ है, और इसका ताल्लुक आपका किसके साथ है, फैक्टर मार्केट के साथ है, ठीक है ना जी, फैक्टर मार्केट। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुड्स मार्केट के अंदर हमारी जो फॉरेन रेस्ट ऑफ द ट्रेड है उसमें ये यहाँ से गुड्स इधर भी आती हैं इधर भी जाती हैं, और इधर से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी हमारे मुल्क में भी गुड्स आती हैं और जाती हैं, ये हमने इनको इन्वॉल्व कर लिया, ठीक है ना जी। ये चौथा सेक्टर इन्वॉल्व हो गया कि यहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज आती भी हैं और जाती भी हैं, ठीक है ना जी। तो दोनों तरफ मैंने एरोज लगाए हैं। इसी तरीके से हमारी जो फैक्टर मार्केट है यानी हमारे लैंड लेबर कैपिटल जो हैं वो इधर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आते भी हैं और उनके भी जो हैं फैक्टर्स वो इधर आते और जाते हैं, तो ये चारों फैक्टर्स इन्वॉल्व हो गए यहाँ पे। तो बहरहाल ये सर्कुलर फ्लो है जो कि फोर सेक्टर इकोनॉमी के अंदर मैंने आपको समझा दिया। आपकी किताब के अंदर ये टू सेक्टर दिया हुआ है लेकिन मैंने थ्री सेक्टर भी साथ समझाया और फोर सेक्टर भी आपको समझाया, मैं अब आपको बुक से भी दिखा दूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें ये बुक के अंदर आपको नजर आ रहा होगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मीन सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। तो अब यहाँ पे इसने ये बताया हुआ है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन इकोनॉमी डिस्क्राइब्स हाउ द इनकम अर्नड फॉर प्रोड्यूसिंग आउटपुट आर रिसाइकल्ड बैक टू प्रोवाइड एक्सपेंडिचर टू बाय आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी। यही है ना कि ये जो इन्होंने ये देखें यहाँ पे कि हाउस होल्ड सेक्टर ने जो प्रोडक्टिव रिसोर्सिस के तौर पर काम किया होता है किधर भला, फर्म्स के अंदर, यानी लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्राइज की सर्विसेज दी होती हैं, इधर आपको डॉटेड लाइन से नजर आ रहा है, तो फर्म इनको इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे करती है। तो ये समझ आ रही है, ये इनको पे करती है, ये जो ऊपर वाली लाइन आपको नजर आ रही है ये वाली, ये पेमेंट हो रही है फर्म्स की तरफ से किनको भला, इनको हाउस होल्ड को। अब हाउस होल्ड क्या करते हैं, यही जो पेमेंट होती है अखराजात की सूरत में वापस इनको दे देती हैं पैसों की सूरत में दोबारा, क्योंकि फर्म से वो क्या खरीदते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, तो उनका एक्सपेंडिचर हो जाता है गुड्स एंड सर्विसेज। तो यही वो कह रहे हैं रिसाइकल बैक। तो रिसाइकल बैक का मतलब ये है कि जो इनकम उन्होंने अर्न की थी, ये इनकम थी, ये इनकम अर्न की थी और किस लिए की थी, क्योंकि उन्होंने
हाउस होल्ड सेक्टर ने यहां पर जाके वर्क किया था फर्म के अंदर, क्या किसके तौर पर वर्क किया था, इन चारों फैक्टर्स के तौर पर काम किया था, तो उन्होंने आउटपुट प्रोड्यूस की थी, आउटपुट प्रोड्यूस करने के नतीजे में उनको ये मुआवजे मिले थे, और ये मुआवजे क्या थे, रेंट मिला था, वेज मिला था, इंटरेस्ट मिला था और प्रॉफिट मिला था, ये चार मुआवजे मिले थे, और यही चारों मुआवजे रिसाइकल बैक हो गए, किसी को किसके पास चले गए दोबारा से, ये देखें ये इसके साथ कनेक्ट हो रहा है, ये दोबारा से इनके पास, फर्म्स के पास दोबारा पहुंच गए इधर, एक्सपेंडिचर जब इन्होंने किया गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, तो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर एक्सपेंडिचर, क्योंकि उन्होंने इसी आउटपुट को जो इन्होंने प्रोड्यूस की थी खुद ही इन्होंने खरीदनी है, किन्होंने खरीदनी है, हाउस होल्ड सेक्टर परचेज करता है और हाउस होल्ड सेक्टर ही प्रोड्यूस करता है, ये ज़हन में रखें, यानी चारों फैक्टर्स ही प्रोड्यूस करते हैं और चारों फैक्टर्स ही दोबारा उसको खरीद लेते हैं फर्म से, किस क्योंकि जब उनको ये इनकम मिल जाती है फर्म्स की तरफ से, तो फर्म से वो दोबारा वो वापस कर देती है फर्म को पैसे, और फर्म फिर दोबारा आउटपुट प्रोड्यूस करवाती है और उनको पैसे देती है, और हाउस होल्ड सेक्टर फिर दोबारा उनको खरीद के फिर वो वापस पैसे कर देता है, और हर साल यही होता रहता है, हर वक्त यही कुछ हो रहा है, ठीक है ना जी। तो ये मैंने आपको टू सेक्टर के अंदर ये समझाया, ये जो आपके पास सर्कुलर फ्लो है ना, ये टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर नजर आ रहा है, और आपको भी नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर हमें सिर्फ दो ही नजर आ रहे हैं, एक आपको हाउस होल्ड सेक्टर नजर आ रहा है और एक आपको फर्म नजर आ रहा है, यानी टू सेक्टर नजर आ रही है। मैंने आपको थ्री सेक्टर में भी बताया और मैंने आपको फोर सेक्टर, और यहाँ पे देखें उसने ये बताया हुआ है कि ये क्लोज्ड इकोनॉमी है, बेसिक क्लोज इकोनॉमी का मॉडल है विदाउट फॉरेन ट्रेड, इसमें हमने सिर्फ दो सेक्टर लिए हैं फर्म्स और हाउस होल्ड, इसमें गवर्नमेंट भी नहीं है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी नहीं है और कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ना होने का मतलब विदाउट फॉरेन ट्रेड, और इसलिए इसमें यह भी फर्ज किया जाता है कि तमाम इनकम जो हाउस होल्ड सेक्टर ने कमाई है रेंट वेज और इंटरेस्ट और प्रॉफिट की शक्ल में, वो सारी की सारी खर्च कर देगी उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो उन्होंने खुद प्रोड्यूस की होती हैं। ये तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने आपको समझा दिया, और अब जो है अगला क्वेश्चन, यानी थ्री सेक्टर में भी मैंने समझा दिया और फोर सेक्टर में भी समझा दिया, इस किताब में नहीं था लेकिन मैंने आपको समझा दिया थ्री सेक्टर और फोर सेक्टर के अंदर भी, और इससे आगे हम चलें तो नेक्स्ट है कि मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम इन सर्कुलर फ्लो, सर्कुलर फ्लो से ही हमने ये बताना है कि मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम हुआ कि नहीं, और मैंने आपको बताया था कि मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाए, इसको हम मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इसका दूसरा मतलब ये है कि आपकी जो एग्रीगेट डिमांड का ताल्लुक है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के साथ, और एग्रीगेट सप्लाई का ताल्लुक इससे उसका ताल्लुक है एग्रीगेट आउटपुट के साथ, तो इसका मतलब इन अदर वर्ड्स एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एग्रीगेट आउटपुट के बराबर हो जाए तब भी मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम है, या एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाए तब भी उसको मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और यहाँ पर भी आपको यही बताया जा रहा है कि जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है यानी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यानी AE एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मस्ट बी इक्वल टू द इनकम, तो इनकम का मतलब एग्रीगेट आउटपुट कह लीजिए या एग्रीगेट इनकम कह लीजिए, एक ही बात है, ठीक है, ये मैं इधर लिख के समझा देता हूँ, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एग्रीगेट इनकम भी कह सकते हैं आप इसको, तो ये तीनों बातें एक ही हैं, ये कह लें ये कह लें या ये कह लें, यानी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एग्रीगेट आउटपुट के बराबर हो या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एग्रीगेट इनकम के बराबर हो, तो इन सब को हम मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम ही कहते हैं, यानी इसको उसने लिखा हुआ E इज इक्वल टू Y, तो इसको कह दिया उसने E प्लान्ड एक्सपेंडिचर और इनकम को उसने कह दिया Y, तो इसको वो मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कह रहा है। और ये चीज हमें कहाँ नजर आ रही है, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम में, क्योंकि आप जरा गौर करें तो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज इन्होंने बेची हैं किनको भला, ये आपकी एग्रीगेट आउटपुट है और ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है ना, तो ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कह लीजिए या इसको एग्रीगेट आउटपुट कह लीजिए, तो ये सारा एक ही बात है, क्योंकि जितना इधर जा रहा है उतने उधर आ रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर फर्म्स ने एग्रीगेट आउटपुट इनको बेची किनको भला, हाउस होल्ड सेक्टर को बेची और हाउस होल्ड सेक्टर ने इनकी
कीमतें यानी एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब है प्राइसेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, वो उनको पे कर दी। तो ये एक्चुअली सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम जो है वो आपको मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम शो कर रहा है, या इन अदर वर्ड्स आपको ये शो करता है कि नेशनल इनकम आइडेंटिटी। और नेशनल इनकम आइडेंटिटी क्या है कि नेशनल आउटपुट इज इक्वल टू नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल एक्सपेंडिचर। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम जो है, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम शोज द नेशनल इनकम आइडेंटिटी, ठीक है ना जी। ये मैंने आपको, और ये सर्कुलर फ्लो इसलिए कहते हैं कि एक सर्कल की तरह बन जाता है कि इधर से पैसा हाउस होल्ड से फर्म्स के पास आता है, फर्म से दोबारा हाउस होल्ड की तरफ जाता है। अच्छा आगे चलें, तो इधर यहाँ पे वो बता रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम फिर दोबारा से बता रहे हैं कि जिसमें ये लेवल ऑफ नेशनल इनकम वो है जिसमें कोई चेंज ना आए टाइम के साथ। तो ये भी कह सकते हैं, बहरहाल इसकी असल कंडीशन ये है कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के क्या हो, बराबर हो। और यहाँ पर आप जरा नोटिस कीजिए कि यहाँ पर जो बात समझने वाली है वो ये है कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या है। तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या है, जस्ट अ मिनट, जी। तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर आपको बता रहे हैं, प्लान्ड एक्सपेंडिचर यानी ई का मतलब है कि वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड इंटेंड टू परचेज। प्लान्ड का मतलब होता है इंटेंड, इरादा करना, ड्यूरिंग द ईयर यानी एक साल के अरसे में जो हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो उसको खरीदना चाह रहा है वो उसको हम प्लान्ड एक्सपेंडिचर कहते हैं, यानी कितना खर्चा करना चाह रहा है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर हाउस होल्ड सेक्टर एक साल के अंदर। तो दूसरा ये है इनकम। तो इनकम क्या है वो आपको बता रही है कि अर्निंग्स, एक्चुअल अर्निंग्स हैं इनकम जो है, और वो जनरेट कैसे करेंगे आप गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके अपनी इकोनॉमिक प्रेजेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी जो भी आप कर रहे हैं। तो आप एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वर्किंग करेंगे और जो भी आप एक्चुअल अर्निंग जनरेट करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके वो आपकी एक्चुअल इनकम कहलाएगी। और इसको एग्रीगेट सप्लाई भी कहा जाता है, मैंने अभी आपको बताया था कि इसको एक्चुअल इनकम कह लीजिए, ये अभी मैंने बताया कि एग्रीगेट सप्लाई कह लें या एग्रीगेट आउटपुट कह लें या एग्रीगेट इनकम कह लें, एक ही बात है। और इसी तरीके से एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कह लें तो एक ही बात है, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। तो इसको हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कहते हैं और इसको हम एग्रीगेट सप्लाई भी कहते हैं, इसको हम एग्रीगेट डिमांड भी कहते हैं, इसको हम एग्रीगेट आउटपुट भी कहते हैं, और इसको हम एग्रीगेट आउटपुट भी कहते हैं, इसको हम एग्रीगेट इनकम भी कहते हैं। ये तीनों नाम इस लाइन के हो सकते हैं। तो ये आपकी एक्चुअल अर्निंग्स हैं जो आपने कैसे जनरेट की हैं, आपने जनरेट की हैं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके, और जो आपने जनरेट की है वो इनकम है, और जो आप इरादा करते हैं, इंटेंट का मतलब इरादा करते हैं परचेज करने का किन को, गुड्स एंड सर्विसेज को, उनकी जो वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की जो हाउस होल्ड सेक्टर इंटेंड कर रहा है, इरादा कर रहा है खरीदने का, उसको प्लान्ड एक्सपेंडिचर कहते हैं या एग्रीगेट डिमांड कहते हैं, समझ गए। अच्छा आप मजीद ये समझिए कि अगर आपका जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है यानी ई जो है यानी एग्रीगेट डिमांड जिसे कहते हैं, वो आपकी आउटपुट से या आपकी इनकम से ज्यादा हो, यानी प्लान्ड एक्सपेंडिचर एक्सीड्स ग्रेटर देन है ना ग्रेटर द लेवल ऑफ इनकम, इसका मतलब ये होगा कि आपका खर्चे ज्यादा है, आप प्लान ज्यादा कर रहे हैं खर्चे का लेकिन आपकी जो इनकम है वो आपसे कम है, आपकी एक्सपेंडिचर से कम है, या इन अदर वर्ड्स कि आपने जो कुछ प्रोड्यूस किया है वो ज्यादा है, I'm sorry, जो आपने प्रोड्यूस किया है वो कम है और जो आप खर्च करना चाहते हैं वो थोड़ा है, ज्यादा है सॉरी, क्योंकि ई जो है वो वाई से ज्यादा है। ई ज्यादा होने का मतलब ये है कि आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है लेकिन आपकी इनकम थोड़ी है, या इन अदर वर्ड्स आपका जो
प्रेजेंट लेवल ऑफ आउटपुट है वो थोड़ा है, इनसफिशियंट है, और जब इनसफिशियंट है तो इसका मतलब आउटपुट थोड़ी है आपकी, एक्सपेंडिचर जो ज्यादा करना चाह रहे हैं, जब एक्सपेंडिचर ज्यादा करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब उस एक्सपेंडिचर से जो आउटपुट आनी है वो थोड़ी है। तो थोड़ी है तो फर्म को क्या करना पड़ेगा, आउटपुट को बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए उनको एडिशनल वर्कर्स और इक्विपमेंट्स को लगाना पड़ेगा ताकि आउटपुट में इजाफा हो, उसके नतीजे में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट बढ़ने का मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, और जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी आउटपुट बढ़ेगी तो आपके मुल्क की नेशनल इनकम में इजाफा हो जाएगा। कैसे इजाफा हो जाएगा वो आपके सामने मैंने अभी आपको बताया कि आपके जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो आपकी एग्रीगेट आउटपुट से ज्यादा है। तो जब आपकी आउटपुट इसका मतलब थोड़ी है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो आपको आपकी फर्म्स को क्या करना पड़ेगा, एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी ताकि लोग एक्सपेंडिचर जो ज्यादा करना चाह रहे हैं तो उनको ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। ज्यादा आउटपुट को प्रोड्यूस करें जब करेंगे तो नेशनल इनकम में क्या होगा, इजाफा हो जाएगा, आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस। और नेशनल आउटपुट ज्यादा कैसे प्रोड्यूस होगी, एडिशनल वर्कर्स को लगाएंगे, जब एडिशनल वर्कर को लगाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने का मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। और इसी चीज को जिसके अंदर आपके मुल्क के अंदर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एग्रीगेट आउटपुट से ज्यादा हो, ये आउटपुट है, या इन अदर वर्ड्स क्या है कि आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होगी, तो इसके नतीजे में आपके मुल्क में कीमतें बढ़ जाएंगी, और जब ये कीमतें बढ़ जाएंगी तो इस चीज को हम इन्फ्लेशनरी गैप भी कहते हैं। ये पहले भी बताया था, इन्फ्लेशनरी गैप, इसका मतलब कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो, या इन अदर वर्ड्स के ई ज्यादा हो किससे, वाई से, तो फिर कीमतें बढ़ना ही होती हैं, क्योंकि डिमांड ज्यादा है तो कीमतें बढ़ेंगी और इसके नतीजे में इन्फ्लेशन होगा, महंगाई होगी, तो इन्फ्लेशनरी गैप इसे कहेंगे, और ये यहाँ पे लिखा भी हुआ इन्फ्लेशनरी गैप। अच्छा, दूसरी तरफ देखें कि आपको नजर आ रहा है कि आपका जो लेवल ऑफ प्लान एक्सपेंडिचर है वो बिलो है, यानी आपका जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम है एग्रीगेट सप्लाई से, तो डिमांड जब कम होगी तो प्राइसेस नीचे आएंगी, जब प्राइसेस नीचे आएंगी तो इसको हम डिफ्लेशनरी गैप कहेंगे। तो ये डिफ्लेशनरी गैप है, यानी ये जो बी है, यानी ई इज लेस देन वाई का मतलब डिफ्लेशनरी गैप है, और इसका मतलब ये है कि आपका एक्सपेंडिचर थोड़ा है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर थोड़ा है, और आपकी एग्रीगेट आउटपुट ज्यादा है, एग्रीगेट आउटपुट ज्यादा है, तो जब प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी और एक्सपेंडिचर कम होगा तो इसके नतीजे में आपको आउटपुट में कमी लानी पड़ेगी, क्योंकि पहले ही आउटपुट ज्यादा है। जब आउटपुट कम करेंगे तो लोगों को रोजगार कम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट कम होने का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, और दूसरा ये होगा कि जब आउटपुट कम प्रोड्यूस होगी तो उसके नतीजे में आपकी जो नेशनल इनकम है वो कम प्रोड्यूस होगी। जाहिर सी बात है, जब आउटपुट ही कम है तो आउटपुट कम होने का मतलब नेशनल इनकम कम है, तो आउट नेशनल इनकम कम हो जाएगी आपके मुल्क में। तो मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम इसका मतलब अगर नहीं होगा तो फिर या तो फिर डिस इक्विलिब्रियम होगा, और मैक्रो इकोनॉमिक डिस इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि या तो इन्फ्लेशनरी गैप होगा या डिफ्लेशनरी गैप होगा, यानी इन अदर वर्ड्स या एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होगी या एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम होगी। लेकिन अगर ये बराबर हो जाती है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाती है, तो फिर मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम उसे कहेंगे। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम मीन्स व्हेन प्लान एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द एक्चुअल इनकम, यानी ई इज इक्वल टू वाई, या एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एग्रीगेट आउटपुट, ये जो मर्जी कह लें, ये सारी चीज़ें किसको शो कर रही हैं, ये तीनों कंडीशन मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम को शो करती हैं, इसको हम मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब इससे आगे चलें तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इसी से रेलिवेंट, वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम के अंदर हमने ये समझना है के विदड्रॉल्स और इंजेक्शंस क्या क्या होते हैं। ये मैं पहले आपको समझा लूं, फिर मैं मजीद इस पे बात करता हूं। ये देखें जी, टॉपिक क्या है, विदड्रॉल्स। विदड्रॉल्स
या दूसरा क्या चीज है, इंजेक्शंस, इंजेक्शंस विड्रॉल्स को डब्ल्यू बोलते हैं और इंजेक्शंस को जे, ये जे इसमें आता है इंजेक्शंस और इसको डब्ल्यू विड्रॉल्स। विड्रॉल्स जो हैं उसका क्या मतलब है, विड्रॉल का मतलब है कि वो फंड्स जो के सर्कुलर फ्लो से बाहर आ जाते हैं, यानी फंड्स आउट ऑफ दी सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, वो फंड्स जो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम से बाहर आ जाते हैं, ठीक है जी, उसे विड्रॉल्स कहते हैं। और वो फंड्स जो कि इन दी सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, जो फॉर सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम के अंदर चले जाते हैं, इन दी सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, और जो आउट हो जाते हैं उसको हम विड्रॉल्स कहते हैं, जो निकल जाते हैं। विड्रॉ का वैसे मतलब ये होता है निकालना, इंजेक्ट का मतलब होता है अंदर डालना। तो विड्रॉल्स और इंजेक्शंस दो चीजें समझनी है। विड्रॉल्स जो हैं उनको हम लीकेजेस भी कहते हैं, लीक हो जाता है, लीकेजेस भी कहते हैं, विड्रॉल्स को हम लीकेजेस भी कहते हैं। ये समझ आ गई, यानी जो फंड्स सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम से बाहर आ जाए उनको हम कहते हैं विड्रॉल्स, और वो फंड्स जो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम के अंदर जाते हैं उनको हम इंजेक्शंस कहते हैं। अच्छा, अब ये बात समझिए कि फर्ज कीजिए, मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर हाउस होल्ड सेक्टर है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे फर्म्स हैं। तो क्या हुआ कि फर्म्स ने, हाउस होल्ड सेक्टर ने फर्म्स के पास जाके काम किया और फर्म्स ने इनको क्या दिया, इनको फर्ज कर लें कि इनकम दी 100 रुपये, किनको भला, हाउस होल्ड सेक्टर को। हाउस होल्ड सेक्टर ने, अच्छा फर्म्स ने इनको गुड्स एंड सर्विसेज बेची, हाउस होल्ड सेक्टर ने इनको इनके पैसे दिए। जब वो पैसे दिए तो वो दिए इन्होंने 80 रुपये, तो इसका मतलब है कि 100 रुपये कमाया था हाउस होल्ड सेक्टर ने, लेकिन उन्होंने फर्म को कितने वापस दिए, 80 रुपये। किस लिए दिए, क्योंकि उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा था, किन से, प्राइसेस की शक्ल में पे किया फर्म्स को, लेकिन इन्होंने एस कितना है 20, तो 20 रुपये बचा लिए। ये देखें, ये जो 20 रुपये इधर से निकल गए हैं, यानी अब 80 रुपये वापस इनके पास गए, तो 100 रुपये था, 80 रुपये वापस गया, तो 20 रुपये उसमें से निकल गया सेविंग के तौर पर, तो ये आउट हुआ है। तो ये इसे क्या कहेंगे, विड्रॉल्स कहेंगे। ये मैंने आपको एक थोड़ा एग्जाम्पल दे के समझाया, ठीक है। अब आपने ये समझना है कि, यानी जरूरी नहीं है, वहां पीछे तो हमने एग्ज्यूम किया था ना कि जितना इनकम होता है उतना ही एक्सपेंडिचर होता है, यानी इसमें कोई सेविंग नहीं होती, लेकिन यहाँ पे मैंने अब आपको करके दिखाया कि नहीं, जरूरी नहीं है कि जितना इनकम हो उतना ही वापस एक्सपेंडिचर भी हो, लेकिन सर्कुलर फ्लो में हमने उधर फर्ज किया था, इधर नहीं। तो इधर ये जेहन में रखें कि जो एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड अपना 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर, 3 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर, 4 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर, तो हमने ये पढ़ा था वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई, फिर पढ़ा था वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, इसको मैंने आपको बताया था एग्रीगेट डिमांड कहते हैं, इसको एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं, ऐसे ही है ना। फिर इसी तरीके से मैंने आपको, ये मैंने आपको बताया था 2 सेक्टर के अंदर, 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई की इक्वेशंस, और इस तरह 3 सेक्टर के अंदर मैंने बताया था वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई और जी, और इधर वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस प्लस टी, तो ये एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन, ये एग्रीगेट सप्लाई की इक्वेशन, और ये दोनों किसकी हैं, ये तो 2 सेक्टर की थे ना, ये किसकी हैं, ये 3 सेक्टर के अंदर, 3 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर, ठीक है ना जी। और फिर मैंने आपको 4 सेक्टर के अंदर भी बताया था कैसे होता है,
तो ये y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स, और फिर y इज इक्वल टू सी प्लस एस प्लस टी प्लस एम। तो ये एग्रीगेट डिमांड और ये एग्रीगेट सप्लाई, ये मैंने फोर्थ सेक्टर की बात की थी, फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी। अब आप ये इक्वेशन समझ चुके हैं सबकी, यानी फोर्थ सेक्टर के अंदर भी, थ्री सेक्टर के अंदर भी और फोर्थ सेक्टर के अंदर भी। इन दोनों को हम क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं, मैंने पहले भी बताया था, इन दोनों को हम क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं, और ये जो है इसको ओपन इकोनॉमी कहते हैं। किसको भला? फोर्थ सेक्टर। तो इसमें आप जरा नोटिस कीजिए कि जो टू सेक्टर है, टू सेक्टर के अंदर जो इंजेक्शंस हैं और जो विड्रॉल्स हैं वो क्या क्या हैं। टू सेक्टर के अंदर जो इंजेक्शन है वो एक तो आई है, ये आई, और जो विड्रॉल है वो है एस। एस मैंने अभी आपको विड्रॉल बताया भी था कि सेविंग 20 रुपए की यहाँ से निकल गई, जो निकल गई वो ये है, ये टू सेक्टर के अंदर है, ठीक है ना जी। अच्छा, अब थ्री सेक्टर के अंदर, ये मैं इधर यहाँ पे, सॉरी जस्ट अ मिनट, इसको मिटा दो यहाँ से। ये देखें, यहाँ पे लिख देते हैं, जे का मतलब है इंजेक्शंस और इसका मतलब है विड्रॉल्स। तो ये जो आपके सामने है ये टू सेक्टर के अंदर। अब थ्री सेक्टर के अंदर जब आप जाएंगे तो थ्री सेक्टर के अंदर आई, ये देखें, थ्री सेक्टर के अंदर एक आई है और एक जी है, आई प्लस जी, और विड्रॉल्स कौन कौन से हैं, एस और ये टी, एस प्लस टी। तो ये थ्री सेक्टर के अंदर, इंजेक्शंस और विड्रॉल्स, ठीक है ना जी। अच्छा, फोर्थ सेक्टर के अंदर देखें, फोर्थ सेक्टर के अंदर जो इंजेक्शंस हैं वो हैं आई जी और एक्स। आई प्लस जी प्लस एक्स, और ये है इधर, इसमें कौन कौन से हैं विड्रॉल्स, कौन कौन से, ये तो ये है एस, एस प्लस टी प्लस एम, एस प्लस टी प्लस एम, ये आपके सामने क्या है जी, ये आपके पास फोर्थ सेक्टर आ गया। अभी मेरी बात दोबारा समझ लीजिए कि इंजेक्शंस क्या हैं, जो सर्कुलर फ्लो के अंदर ऐड होते हैं, जैसे इधर फर्म जो है इसके अंदर ऐड होके 20 रुपए आई आ जाए इधर इसके अंदर, तो ये ऐड होगा, ये मैंने एरो अंदर की तरफ लगाया है, ये एरो बाहर की तरफ है, ये आउट है, ये क्या है, ये इन है। तो सर्कुलर फ्लो में या तो इन होगा या आउट होगा, अगर सर्कुलर फ्लो में इन हो तो उसे इंजेक्शन कहते हैं, अगर सर्कुलर फ्लो से बाहर चली जाए कोई फंड, फंड बाहर चला जाए तो उसे हम विड्रॉल कहते हैं या लीकेजेस कहते हैं। और ये सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में आपने चेक कर लेना है कि टू सेक्टर में कितने इंजेक्शन होते हैं। टू सेक्टर में एक इंजेक्शन होता है जी, ये इंजेक्शन एक है और विड्रॉल भी एक है। अच्छा, आप थ्री अपना, ये टू सेक्टर में, थ्री सेक्टर में देखें तो आपको नजर आएगा दो इंजेक्शन है आई और जी और दो ही विड्रॉल्स हैं। अच्छा, फोर्थ सेक्टर के अंदर आपको नजर आएगा कि थ्री इंजेक्शंस हैं आई जी और एक्स, और थ्री विड्रॉल्स हैं आई सॉरी एस टी और एम, ये थ्री आपके पास है। तो यानी हर सूरत के अंदर इंजेक्शंस और विड्रॉल्स क्या है, बराबर है, इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है। बस आपने ये जेन में रखना है कि टू सेक्टर्स में एक इंजेक्शन एक विड्रॉल, थ्री सेक्टर इकोनॉमी के अंदर दो इंजेक्शंस दो विड्रॉल होती हैं, और फोर सेक्टर इकोनॉमी के अंदर तीन इंजेक्शन और तीन ही विड्रॉल होती हैं, ठीक है। तो ये क्लियर होगी बात। तो इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट जो होती है किसी भी इकोनॉमी के अंदर इंजेक्शन का काम करती है, यानी वो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम के अंदर ऐड होती है और वो नेशनल इनकम को बढ़ाती है।
और जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो भी इंजेक्शन है, और एक्सपोर्ट भी क्या है, इंजेक्शन है। तो इंजेक्शंस क्या क्या होते हैं? इंजेक्शंस इंजेक्शंस क्या कौन कौन से हैं? तो इंजेक्शन जनाब हैं इन्वेस्टमेंट नंबर वन, नंबर टू गवर्नमेंट स्पेंडिंग यानी ये आई ये जी, और नंबर थ्री एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट भी किसी भी इकोनॉमी के लिए क्या है? इंजेक्शन है। और जो विड्रॉल है, विड्रॉल्स, ये इंजेक्शंस थे। इंजेक्शंस को हम जे कहते हैं, और ये विड्रॉल्स पे बात करूं, विड्रॉल्स को डब्ल्यू कहते हैं, और वो भी तीन ही है टोटल दुनिया में, एक दो और ये तीन। एक को कहते हैं सेविंग्स एस, दूसरे को कहते हैं टैक्सेस टी, और इम्पोर्ट्स एम, जो बाहर से आप चीजें मंगवाते हैं वो इम्पोर्ट, वो क्या है, विड्रॉल्स कहलाते हैं। ठीक हो गया, ये आप आपने जहन में रखना है कि इंजेक्शंस कितने हैं और विड्रॉल कितने हैं, और टू सेक्टर में कितने इंजेक्शन होते हैं कितने विड्रॉल होते हैं, थ्री सेक्टर में कितने इंजेक्शन होते हैं कितने विड्रॉल होते हैं, और फोर्थ सेक्टर में कितने इंजेक्शन होते हैं कितने विड्रॉल होते हैं, ये आपने जहन में रखना है। अच्छा, अब आप जरा देखें तो इस चीज को समझें। तो यहाँ तक मैंने आपको ये समझाया है कि इंजेक्शंस और विड्रॉल्स क्या क्या काम करती हैं। अब इसको हम अपनी बुक से मजीद पढ़ते हैं, इसको समझते हैं क्या होता है। ये आपके पास किताब है, ये देखिए जी, देयर आर विड्रॉल्स फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और विड्रॉल मैंने अभी आपको समझाया है, सेविंग विड्रॉल है, टैक्स विड्रॉल है, इम्पोर्ट विड्रॉल है, यानी एस प्लस टी प्लस एम। और इंजेक्शंस क्या है? जो इनटू द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेचुरल इनकम है। ये विड्रॉल क्या है? सर्कुलर फ्लो से बाहर निकल जाते हैं, ये सर्कुलर फ्लो के अंदर चले जाते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एक्सपोर्ट, ये तीन वो छः। और ये भी मैंने बताया था, टू सेक्टर में एक इंजेक्शन एक विड्रॉल, थ्री सेक्टर के अंदर दो इंजेक्शन दो विड्रॉल, और फोर्थ सेक्टर के अंदर तीन इंजेक्शन तीन विड्रॉल। अब वो आपको बता रहा है कि विड्रॉल किसे कहते हैं। मैंने अभी आपको बता दिया कि विड्रॉल जो कि सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम से बाहर आ जाए, और यानी आउट जिसे कहते हैं, और ये जो इनटू द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम है उसे हम इंजेक्शन कहते हैं। ये इन है, ये सॉरी विड्रॉल जो है वो आउट है, और ये क्या है, ये इन है, ये आउट ये इन। ये देखें विड्रॉल फिर बता रहा है, मूवमेंट ऑफ द फंड्स आउट ऑफ द साइकिल ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर बिटवीन द फर्म्स एंड हाउस होल्ड। और इंजेक्शन क्या है? मूवमेंट ऑफ द फंड्स इन, इन बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है, इन और ये आउट। अब ये आपको समझा रहा है कि जी विड्रॉल्स तीन है, तीन विड्रॉल्स हैं टोटल, सेक्टर वाइज नहीं, वैसे टोटल मिलाएं तो तीन है ओवरऑल। एक सेविंग्स है, तो सेविंग किसे कहते हैं? जैसे अभी बताया कि हाउस होल्ड डू नॉट स्पेंड ऑल ऑफ हिज देयर इनकम, दे सेव सम एंड दीज सेविंग्स आउट ऑफ देयर इनकम एंड विड्रॉल्स फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। ये मैंने अभी आपको करके भी दिखाया था कि सेविंग जो होती हैं वो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम से बाहर निकल जाती हैं, ठीक है ना। जैसे 100 रुपये इनकम मिली थी तो उसमें से 20 रुपये उन्होंने बचा लिए, 80 रुपया खर्च किया तो 80 वापस फर्म के पास गया, 100 का 100 नहीं गया था, मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझाया था। इसी तरीके से जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो अपनी इनकम सारी की सारी खर्च करता है, तो उसमें से कुछ हिस्सा वो गवर्नमेंट को भी दे देता है, यानी टैक्स की सूरत में, पे सम ऑफ देयर इनकम टू द गवर्नमेंट एज टैक्सेशन। तो टैक्सेशन कैन नॉट बी स्पेंट बाय द हाउस होल्ड, तो टैक्स भी हाउस होल्ड नहीं खर्च कर रहा होता, वो गवर्नमेंट को दे देता है, तो वो सर्कुलर फ्लो में से निकल जाता है। इसी तरीके से जैसे जैसे ये देखें, ये मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी थी ये वाली, ये देखें, ये आपको नजर आएगी यहाँ पे, ये कि 100 रुपये कमाया था एक शख्स ने, ये 100 रुपये कमाया था तो 80 रुपये खर्च किया था। अब यहाँ पे फर्ज कर लीजिए 80 नहीं करता बल्कि 20 रुपये की सेविंग कर ली थी,
इसने किस में से, 100 रुपये में से, 100 रुपये में से 20 रुपये की सेविंग कर ली, फर्ज कर लें 10 रुपये का टैक्स दे दिया, और फर्ज कर लें कि बाहर से भी कुछ चीज़ें मंगवा ली, 15 रुपये की चीज़ें बाहर से मंगवा ली, इम्पोर्ट कर ली, तो ये 15 रुपये आपकी अपनी गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च नहीं हुआ, दुनिया की चीज़ों पे खर्च हुआ है, क्योंकि इम्पोर्ट का मतलब है आपकी गुड्स एंड सर्विसेज पे अखराजात नहीं, बल्कि फॉरेन गुड्स पे अखराजात किए हैं आपने, तो 15 रुपये उस पर किए, 10 रुपये आपने अपनी गवर्नमेंट को दिए टैक्स की सूरत में, तो 15 और 10, 25 और 20 रुपये आपने खुद अपने पास रख लिए सेविंग, तो 25, 20 और 10, 30 और 40 और 45, 45 रुपये हो गए, 45 रुपये तो निकल गए बीच में से, तो बाकी कितने बचे, 55। तो इसका मतलब है कि जो खर्चा फिर होगा वो कितना होगा, वो होगा 55 रुपये। तो ये देखें, अब वाई और सी जो है बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पैसा है ये आउट हो गया उसमें से, तो 55 वापस गया फर्म के पास। अब इस 55 में जो है वो आई जो है वो क्या है, वो इधर इन्वेस्टमेंट की शक्ल में आया, तो 55 जमा 20, ये दोनों जमा हो जाएंगे, तो उसके बाद फर्ज कर लें कि गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग किया, जी जी भी ऐड होता है इधर, तो उसके बाद एक्सपोर्ट, बाहर के लोगों ने आपकी चीजें खरीदी एक्सपोर्ट, तो जी आई और ये आई, जी एक्स और आई, ये सारा क्या है, ये इन हो रहे हैं, और इनको फर्ज कर लें कि ये सारा एक्स फर्ज कर लें, 15 रुपये की आपने एक्सपोर्ट की और 10 रुपये का आपने गवर्नमेंट ने खर्चा किया, तो ये फिर 100 हो गए यहाँ पे आके, समझ गए ना बात। तो ये बाहर से जो चीज आ रही है वो एक्सपोर्ट आ रही है जो आपने किया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है जो सर्कल फ्लो के अंदर जा रही है, और इन्वेस्टमेंट जो है वो सर्कल फ्लो के अंदर जा रही है, इंजेक्शंस हैं जो बाहर से अंदर जा रहे हैं सर्कुलर फ्लो के अंदर, और जो सर्कुलर फ्लो से बाहर जा रहे हैं वो है सेविंग, टैक्स और इम्पोर्ट, ठीक है ना जी। तो अच्छा, अब दोबारा से अच्छा जी, दोबारा से किताब में देखें इसी चीज को, तो मैंने आपको बताया कि सेविंग्स आउट हो जाएंगी कहाँ से, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम से बाहर निकल जाएंगी, टैक्स भी दोबारा फर्म के पास अखराजात की सूरत में नहीं जाएगा बल्कि वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, इम्पोर्ट भी जो है ना वो आपकी अपनी चीज़ों पे खर्च नहीं होगी, क्योंकि इम्पोर्ट का मतलब ये है कि आपने इम्पोर्ट एक्सपेंडिचर तो है, लेकिन ये स्पेंडिंग ऑन इम्पोर्ट एक्सपेंडिचर तो है, लेकिन एक्सपेंडिचर जो हम लोगों ने किया है या हमारी फर्म्स ने किया है दूसरी कंट्रीज की उसके ऊपर, चीज़ों के ऊपर, या इम्पोर्ट का मतलब ये है कि पेमेंट ऑफ द इम्पोर्ट गो टू द फर्म्स इन अदर कंट्रीज, उन हमारे मुल्क की फर्म्स के पास नहीं जा रही, वो दूसरी फर्म की चीज़ों पर आपने खर्च किया, तो उन फर्म्स की पास चले गया वो पैसा, आपकी फर्म्स के पास नहीं गया, तो इसका मतलब ये है कि स्पेंडिंग ऑन इम्पोर्ट्स देयर फॉर विड्रॉल ऑफ द फंड्स ऑफ ए कंट्री सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, क्योंकि आपकी फर्म के पास तो वो पैसा वापस नहीं ना पहुंचा बल्कि दूसरी ममालिक की फर्म्स के पास चला गया, तो ये तीनों जो हैं सेविंग्स, टैक्सेस और इम्पोर्ट जो है ये क्या है, ये विड्रॉल्स हैं, ठीक है ना जी, ये छोड़ दें। अच्छा, इसके बाद आगे चलें तो इंजेक्शंस क्या हैं, इंजेक्शंस को जे भी कहते हैं, ये क्या है, ये आपकी सर्कुलर फ्लो के अंदर जा रही हैं चीज़ें, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड्स, और यहां पर एक इजाफा कर ले, न्यू न्यू कैपिटल गुड्स लिखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट इन न्यू कैपिटल गुड्स इज अ फॉर्म ऑफ स्पेंडिंग ऑन आउटपुट, इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, जो कैपिटल गुड्स पर आप अखराजात कर रहे होते हैं, और न्यू कैपिटल गुड्स वो होती हैं जिनसे कंज्यूमर गुड्स बनती हैं, यानी मशीनें वगैरह, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी भी इकोनॉमी के अंदर इंजेक्ट हो जाती हैं और सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम को बढ़ाती हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब बढ़ेगी, नई कैपिटल गुड्स आएंगी तो उससे आउटपुट प्रोड्यूस होगी, और आउटपुट प्रोड्यूस होने से आपकी नेशनल इनकम में इजाफा होगा, और इसी तरीके से गवर्नमेंट जब स्पेंडिंग करती है तो वो भी एक इंजेक्शन का काम करती है, सर्कुलर फ्लो के अंदर इंजेक्ट कर रही होती है, और इसमें भी गवर्नमेंट क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज पे खराजात करती है, और वो फर्म्स से खरीदती है चीज़ें जिससे सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम में जाती है वो चीज़,
और मजीद आउटपुट में इजाफा होता है, और वो उसको खरीदती किधर से है, जाहिर सी बात है टैक्सों से पैसा लेती है या वो बॉरविंग करके उससे पैसा ले रही होती है वहां पे। इसी तरीके से एक्सपोर्ट्स, तो एक्सपोर्ट्स जो है वो क्या है, फॉरेन जो है फर्म्स, फॉरेन जो है आपकी जो चीजें हैं वो फॉरेनर्स खरीद रहे होते हैं, तो आपकी फर्म्स जो है उसको प्रोड्यूस कर रही होती हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, और बाहर के लोग आपकी चीजों को खरीद रहे होते हैं वहां पे। तो एक्सपोर्ट्स क्या है, वो आपकी चीजों को, आपकी फर्म की चीजों को बाहर के लोग खरीद रहे होते हैं, इसलिए वो भी आपकी सर्कुलर फ्लो के अंदर इजाफा कर रहे होते हैं। यही चीज आप यहाँ पे इस टेबल में देखिए, इस ग्राफ में देखिए, यहाँ पे वो बता रहा है कि एक तरफ फर्म्स हैं और एक तरफ हाउस होल्ड हैं। तो फर्म ने क्या किया, फर्म ने हाउस होल्ड को पैसा दिया इनकम, और हाउस होल्ड ने क्या किया, एक तो ये है कि वो खर्च करेंगे जारी सी बात है, या फिर वो क्या करेंगे, या वो सेव करेंगे, या वो टैक्स देंगे, या फिर वो इम्पोर्टेड गुड्स पे खर्च करेंगे। तो ये तीन चीजें करेंगे, ये तीनों किस में से निकलेंगी, इस वाई में से निकलेंगे। वाई में से ही वो सेविंग पे करेंगे, वाई में से ही टैक्स देंगे, वाई में से ही इनकम देंगे। वाई का मतलब यहाँ पे इनकम है, तो इनकम में से ही सेविंग करेंगे, इनकम में से ही टैक्स देंगे, इनकम में से इम्पोर्ट करेंगे। और दूसरी तरफ जो है वो क्या होगा, जब ये सेव करेंगे तो सेव करके कहाँ पे सेव करना है, जारी सी बात है किसी ना किसी बैंक में जाके वो पैसा जमा कराएंगे सेविंग, और बैंक वाले जो है वो उसी पैसे को उठा के किसको दे देंगे, इन्वेस्टर को दे देंगे, तो वही इन्वेस्टमेंट की शक्ल इख्तियार कर लेंगी। यहाँ पे बैंक का रोल आ जाएगा, सेविंग जो है वो बैंकों में जाएगी और बैंकर उसको इन्वेस्ट के लिए पैसा देंगे। इस तरह से टैक्सेशन, गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा करेगी टैक्स से, और वो गवर्नमेंट के पास जाएगा, और गवर्नमेंट फिर उसी से क्या करेगी, खर्चे करेगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी। इसी तरीके से यहाँ पे तीन सेक्टर आपको नजर आ रहे हैं, फाइनेंशियल सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर। तो फॉरेन सेक्टर में का ताल्लुक इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट से है, यानी कुछ चीज़ें या तो इम्पोर्ट होंगी या कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट होंगी। तो ये आपको आई, जी और एक्स, ये इंजेक्शन हैं, एस, टी और एम जो हैं वो विड्रॉल्स हैं, और यही यहाँ पे शो किया गया है कि इकॉनमी इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इंजेक्शंस इज इक्वल टू द विड्रॉल्स। तो ये देखें, ये इसने फोर सेक्टर के अंदर आपको करके दिखाया, मैंने आपको टू सेक्टर के अंदर भी इंजेक्शन और विड्रॉल बराबर करके दिखाए हैं, थ्री सेक्टर के अंदर भी इंजेक्शन और विड्रॉल बराबर करके दिखाए हैं, और फोर सेक्टर के अंदर भी इंजेक्शन और विड्रॉल बराबर करके दिखाए हैं। यहाँ पर ये जो इसने बराबर किया हुआ है, ये एक्चुअली फोर सेक्टर के अंदर लिखा हुआ है, दिस इज इन फोर सेक्टर, या फोर सेक्टर इकोनॉमी या ओपन इकोनॉमी के अंदर, ओपन इकोनॉमी के अंदर आपको करके दिखाया हुआ है ये इंजेक्शन और विड्रॉल। जी मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ जो मैंने अभी आपको करके दिखाया, तो ये देखें, देखें ये देखें, यही है ना। तो ये देखें, ये इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग, ये टू सेक्टर के अंदर इक्विलिब्रियम हो गया, ये इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग और सेविंग प्लस एस प्लस टी करके थ्री सेक्टर के अंदर, और ये वाला इसने करके दिखाया हुआ, ये आपकी बुक के अंदर ये वाला, यानी आई प्लस जी प्लस एक्स, एस प्लस टी प्लस एम, तो ये फोर सेक्टर के अंदर, यानी ओपन इकोनॉमी के अंदर, ठीक है जी। तो यहाँ पे मजीद आगे चलें तो आपको नजर आ रहा है कि ये आई प्लस जी प्लस एक्स और इज इक्वल टू एस प्लस टी प्लस एम, तो ये इंजेक्शंस और विड्रॉल्स बराबर की हुई हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे मजीद देखिए, यहाँ पे आपको दो चीजें बताई गई हैं कि अगर इंजेक्शंस जो हैं, पहली बात तो ये है कि अगर इंजेक्शन और विड्रॉल बराबर हैं तो इसको हम इक्विलिब्रियम कहेंगे, इकोनॉमी इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर इंजेक्शंस और विड्रॉल बराबर ना हो, जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे करके दिखाई दूं, ये देखें, अगर इंजेक्शंस और विड्रॉल्स बराबर ना हो तो ये इसको क्या कहेंगे, इसको डिसइक्विलिब्रियम कहेंगे। तो उसमें क्या होगा, यानी टू सेक्टर के अंदर अगर देखें तो इन्वेस्टमेंट जो है वो सेविंग के बराबर नहीं होगी,
ये थ्री सेक्टर के अंदर आएंगे तो इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग वो सेविंग और टैक्स के बराबर नहीं होगी, और इसी तरीके से फोर सेक्टर में चले जाएं तो आई प्लस जी प्लस एक्स बराबर नहीं होंगे एस प्लस टी प्लस एम के। तो ये मतलब इन तीनों में ये हो रहा है कि इंजेक्शन विड्रॉल के बराबर नहीं है, और अगर ये नहीं है तो फिर इनको क्या कहेंगे, इनको इनको हम डिसइक्विलिब्रियम कहेंगे, ठीक है ना जी। तो अब फॉर एग्जांपल जो इंजेक्शंस हैं वो क्या है, वो मैंने अभी आपको बताया कि इंजेक्शंस जो हैं वो ये तीन हैं आई प्लस जी प्लस एक्स जो हैं, और ये एक्चुअली क्या करेंगे, ये आपकी इकोनॉमी के की जो इनकम है उसमें इजाफा करने का सबब बनते हैं। तो एक्चुअली ये जो अगर आपके मुल्क के अंदर इंजेक्शंस जो हैं वो विड्रॉल से ज़्यादा हो जाएं, यानी जे जो हैं वो डब्ल्यू से बढ़ जाएं, तो इसका मतलब ये है कि इंजेक्शन विड्रॉल से ज़्यादा है। तो इंजेक्शन अगर विड्रॉल से ज़्यादा होगा तो आपके मुल्क के अंदर नेशनल इनकम जो है वो बढ़ेगी, और अगर इंजेक्शन जो है वो कम है विड्रॉल ज़्यादा हैं तो फिर नेशनल इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इंजेक्ट ही कम हो रही है चीज़ तो नेशनल इनकम कैसे बढ़ सकती है अगर इंजेक्ट ज़्यादा होएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के नतीजे में भी नेशनल इनकम बढ़ेगी, क्योंकि आई बढ़ जाए या जी बढ़ जाए या एक्स बढ़ जाए, इन सब के नतीजे में नेशनल इनकम में इजाफा हो जाएगा, और ये सब बढ़ने का मतलब है कि जे बढ़ जाए। और अगर डब्ल्यू जो है वो बढ़ जाए तो डब्ल्यू बढ़ने का मतलब ये है कि सेविंग बढ़ जाए और टैक्स बढ़ जाए या इम्पोर्ट बढ़ जाए, तो इसके नतीजे में W यानी विड्रॉल बढ़ जाएगी, जिसके नतीजे में नेशनल इनकम कम हो जाएगी। यानी विड्रॉल का नतीजा ये है कि विड्रॉल बढ़ने के नतीजे में नेशनल इनकम कम हो जाती है, और इंजेक्शंस बढ़ने के सूरत में नेशनल इनकम में इजाफा हो जाता है। क्यों हो जाता है, उसकी वजह ये है कि जब भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी या एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो आपका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, क्योंकि इंजेक्शन का ताल्लुक किससे है, इंजेक्शन का ताल्लुक आपके प्लान्ड एक्सपेंडिचर से है, एक्सपेंडिचर, और विड्रॉल का ताल्लुक किससे है, विड्रॉल का ताल्लुक आपकी एक्सपेंडिचर के बढ़ने से उसके कम होने से है उसका, यानी प्लान्ड एक्सपेंडिचर इसमें बढ़ जाएगा, और विड्रॉल के अंदर जो आपका प्लान्ड एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि सेविंग के नतीजे में जब सेव ज्यादा करेंगे तो एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, टैक्स ज्यादा लगेगा तो आपका एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, इस तरह जब इंपोर्ट आप ज्यादा करोगे तो आपका अपनी चीजों के ऊपर एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फॉरेन पे तो होगा लेकिन हम अपनी गुड्स पे बात करें तो, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपका जे डब्ल्यू से ज्यादा होता है तो इसका मतलब इन अदर वर्ड्स ये है कि आपका एक्सपेंडिचर जो होता है वो आपकी इनकम से ज़्यादा हो जाता है, यानी उसके नतीजे में ये कह लीजिए या ये कह लीजिए एक ही बात। इसी तरीके से जब इंजेक्शंस कम होती हैं विड्रॉल ज़्यादा होता है तो इसका मतलब ये है कि आपके एक्सपेंडिचर जो है वो कम होते हैं आपकी इनकम से, ये इसका मतलब ये है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझने की जरूरत है इन चीजों को, कि ये मैंने अभी आपको बताया कि जे ज्यादा होने का मतलब है कि आप एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करने का मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये सारा एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा इन्वेस्टमेंट के नतीजे में, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी तो एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, लेकिन अगर विड्रॉल बढ़ता है तो आपका एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, ये चीज समझने वाली है, इसको समझ लें, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि जब एक्सपेंडिचर जब जे डब्ल्यू से ज्यादा होगा तो इंजेक्शन ज्यादा होंगे, मींस के एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे इनकम से, तो इसके नतीजे में जो चीज क्रिएट होगी एक्सपेंडिचर, यानी इसका अनदर वर्ड्स ये है कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होगी और कीमतें बढ़ जाएंगी, कीमतें बढ़ने का मतलब ये है कि आपके मुल्क में इन्फ्लेशनरी गैप होगा। और अगर इस चीज पे आ जाए, ये तो
वाली स्टोरी तो ये है ना सारी, लेकिन ये वाली जो दूसरी वाली स्टोरी पे आ जाए तो दूसरे वाली स्टोरी ये है। दूसरे वाली स्टोरी में ये होगा कि आपका जब ई वाई से कम होगा, तो ई वाई से कम होने का मतलब है कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम होगी, जिससे प्राइसेस कम होगी। तो जब प्राइसेस कम होगी तो उसके नतीजे में क्या होगा, डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट होगा। तो ये कह लीजिए, ये कह लीजिए, ये कह लीजिए या ये कह लीजिए, इसका नतीजा यही है कि डिफ्लेशनरी गैप। और इसका नतीजा क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप, कि जब भी इंजेक्शन ज़्यादा होगा मीन्स एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा तो फिर इन्फ्लेशनरी गैप होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर इंजेक्शंस और विड्रॉल बराबर हैं तो नो इन्फ्लेशनरी गैप, नो डिफ्लेशनरी गैप, और अगर इंजेक्शन और विड्रॉल्स बराबर नहीं है तो फिर इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप्स दोनों क्रिएट होंगे। ठीक हो गया जी, तो यहाँ तक कर लेते हैं, बाकी फिर कल इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच, कोई क्वेश्चन करना चाहें तो प्लीज यू कैन आस्क द क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन आ गया कि जी एक्सक्यूज मी सर, ये क्वेश्चन है। अच्छा जी, और क्वेश्चन क्या है कि सर डिसइक्विलिब्रियम कब होती है? अभी बताया जी, डिसइक्विलिब्रियम होती है जब विद इंजेक्शंस विड्रॉल के बराबर ना हो। ये डिसइक्विलिब्रियम मैंने भी लिखा भी था यहाँ पे, याद हो गया, ये मैंने भी लिखा यहाँ पे डिसइक्विलिब्रियम, ये लिखा भाई डिसइक्विलिब्रियम, ये डिसइक्विलिब्रियम है जब इंजेक्शन और विड्रॉल बराबर ना हो। तो ये भी ये टू सेक्टर इकोनॉमी में है, ये थ्री में है, ये फोर सेक्टर, ये तीनों सेक्टर्स में डिसइक्विलिब्रियम मैंने शो किया। और ये सारा क्या है, ये इक्विलिब्रियम है, ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब बराबर है, तो बराबर है ना ये दोनों। और कोई क्वेश्चन जी? अच्छा जी, सॉरी सर आई हैव टू आस्क, कब से स्टार्ट हुई हुई है मैं क्लास, प्लीज टेल मी कितने दिन होंगी हैं, पता नहीं क्या कह रहे भाई। इससे रेलेवेंट क्वेश्चन करो भाई, जो क्वेश्चन पढ़ाया उससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है तो बताओ, वरना ऑफ करें इसको। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।